डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर द कार्टेशियन कर्व। एग्जांपल में हमें दिया है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कोई भी एग्जांपल आए तो उसे सॉल्व करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिससे कि यहां पे हमें जो इक्वेशन दिया होगा उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सके। तो स्टेप 1, हमें यहां पे जो इक्वेशन दिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स, जो कि x, y और a के फॉर्म में होगा। a क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे हमें क्या दिया है, फैमिली ऑफ सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो हम उसे यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन 1। स्टेप 2, अभी हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 मिल रहा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन कर देना है। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, y स्क्वायर का होगा 2y dy by dx, और a स्क्वायर कांस्टेंट है उसका 0। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2y dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x, सो dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस x by y। तो ये जो हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन किया उससे क्या होगा, a एलिमिनेट हो गया और जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा वो x, y और dy by dx के फॉर्म में होगा। तो है ये जो इक्वेशन है वो x, y और dy by dx के फॉर्म में है, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 2, और इसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ओके, अभी स्टेप 3, हमें क्या करना है, dy by dx को माइनस 1 अपॉन dy by dx यानी कि माइनस dx by dy से रिप्लेस कर देना है। तो हम dy by dx को माइनस dx by dy से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस dx by dy इज इक्वल्स टू माइनस x by y, सो dx by dy इज इक्वल्स टू x by y। ओके, मैं इस इक्वेशन को dy by dx के फॉर्म में लिखता हूं, सो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x। अभी यहां पे ये जो इक्वेशन मिल रहा है उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। स्टेप 4, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लाना है। अभी ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में है, तो फर्स्ट ऑर्डर में सॉल्यूशन लाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम यहां पे कोई एक मेथड अप्लाई करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लाएंगे। तो यहां पे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हैं, सो अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी कि y वाले टर्म्स एक साइड, x वाले टर्म्स एक साइड, सो dy by y इज इक्वल्स टू dx by x। उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन dy by y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx by x। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस log c, सो log y इज इक्वल्स टू, log में समेशन यानी मल्टीप्लीकेशन,
So log x into c, log log cancel. So y is equals to x into c, which is required orthogonal trajectory. Okay, अभी देखते हैं example 2. Find the orthogonal trajectory of the curve y is equals to x square plus a. तो फिर से हम क्या करेंगे, step 1, यहां पे हमें family of curve क्या दिया है, y is equals to x square plus a, जिसे हम बोल देंगे equation 1. Step 2 में हमें क्या करना है, इस equation का with respect to x derivation करना है. So differentiating with respect to x, y का differentiation होगा dy by dx, x square का होगा 2x और a का 0. इस equation को हम बोल देंगे equation 2 और इसे बोलेंगे differential equation of family of curve. Okay, अभी step 3, हमें क्या करना है, यहां पे dy by dx को minus dx by dy से replace कर देना है. So replace dy by dx by minus dx by dy. तो हमें क्या मिलेगा, minus dx by dy is equals to 2x. So dy by dx is equals to minus 1 upon 2x. इस equation को हम क्या बोलेंगे, differential equation of orthogonal trajectory. Okay, अभी step 4, हमें इस equation का solution लाना है. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, variable separable method apply करेंगे. So applying variable separable method. तो उसमें सबसे पहले होता है separating the variables. Y वाले terms एक side, X वाले terms एक side. So dy is equals to minus dx upon 2x. अभी हम करेंगे integration. So integrating, we get integration dy is equals to minus integration dx upon 2x. So dy का integration होगा y minus 1 by 2 constant, 1 upon x का integration होगा log x plus log c. So y is equals to, log में जो coefficient होता है वो क्या हो जाता है, पावर बन जाता है. So log x raised to minus 1 by 2 plus log c. log में summation है, यानी कि multiplication होगा. So log c into x raised to minus 1 by 2. So y is equals to log c upon root x. Okay, तो c upon root x वो क्या हो जाएगा, e raised to y. So e raised to y into root x is equals to c, which is required orthogonal trajectory. Okay, I hope ये lecture आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. So thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel.